तो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक आइटम आ गई है, रॉयल फालूदा आइटम। तो क्या कहूँ मैं इसको, बोलो। रॉयल फालूदा फॉर रॉयल लेडी, और ये दूसरा रॉयल फालूदा फॉर राजकुमार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वी आर के फैमिली ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी दो तीन दिन इतना बिजी शेड्यूल था तो व्लॉग भी नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी तो कंपलसरी रोज व्लॉग करना है, कुछ भी हो, टाइम मिले ना मिले, पर व्लॉग तो रोज करना ही है। तो चलिए अभी फिलहाल देखिए, आज मैंने फ्रिक्स भी इतने हेयर कट किए हैं मेरे बालों को, और नीचे के बालों को भी, ड्राई हेयर को भी हस्बैंड ने से कैंची ली और ढड़ाम करके कट कर दिया। उसको गुस्सा आ गया क्योंकि बहुत ही हेयरफुल होते थे मेरे बाल, क्योंकि अभी जस्ट केराटिन करवाया था ना लास्ट, वो केराटिन इतना बकवास निकला, मेरे पूरे बाल गए। उसका शैम्पू कंडीशनर था वो तो बहुत ही बेकार था, उसके वजह से मेरे इधर के सारे दोनों साइड के बाल सारे उड़ गए। अभी उसको मुझे रिपेयर मतलब करना पड़ेगा, मेरे बालों को मुझे रिपेयर करना पड़ेगा। स्पा प्रोटीन अभी मैं नेचुरल प्रोडक्ट से ही करूँगी, बाहर का कोई भी प्रोडक्ट अभी अप्लाई नहीं करूँगी। देखती हूँ मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह मेरे बालों को प्रोटीन वगैरह करती हूँ, एलोवेरा ऑयल, विटामिन ई ऑयल सब अभी मुझे प्रोटीन करना पड़ेगा। तो अभी ऐसा कुछ चल रहा है, आज ऑर्डर पे दोपहर को 2 बजे जाना है, तो मैंने सोचा चलिए अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी घर का काम सारा बाकी है, वो भी मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, तो मैं अभी बना रही हूँ कॉफ़ी, एक ऑनलाइन कॉफ़ी मेरे क्लाइंट ने मुझे दी है, मतलब वो लोग ने ऑनलाइन मंगाई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी कॉफ़ी है, मैं भी पीती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको सब फ्रेंड्स को मेरा दिल से गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जैसे कि मेरी बीबी ने बताया था कि वो कॉफ़ी पीने वाली है, तो यहाँ पे दो फ्लेवर है, एक है बटर स्कॉच है, ये देखिए कौन सी कंपनी का है, ये बेज़विला, मतलब वो लोग ने ऑनलाइन मंगाते हैं ऐसे पैकेट, बोलते कि इसे बाहर नहीं मिलता सिर्फ ऑनलाइन में मिलता है, पर पता नहीं अभी। तो अभी कौन सी बनाना है अपने को, ये बटर स्कॉच है और ये है फ्रेंच वेनिला। तो हम कौन सी बनाएंगे, मतलब टेस्ट अच्छा होना चाहिए बाबा। तो चलिए अभी बनाते हैं, तो चलिए ये बनाते हैं। और मैं क्या बोलती हूँ, रोज रेगुलर व्लॉग्स करना है अभी। वो तो मैं आपको हर रोज बोलता हूँ, रेगुलर व्लॉग, घर में भी बातचीत वाला व्लॉग कीजिए ना, ऐसा थोड़ी है कि कुछ ना कुछ दिखाना ही है। क्रिएटिविटी घर में भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो अपन करते हैं वो व्लॉग आप दिखाइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाँ नहीं, धीरे धीरे नहीं, एक्चुअली ये स्टार्ट ही है, रूटीन स्टार्ट ही करना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं तो बहुत बड़बड़ा हूँ, मुझे बातें करना बहुत ही पसंद है। अभी फिलहाल मैं अभी ढेर सारा कैंटीन में से माल लेके आया, मतलब जो घर का राशन पानी ये वो साबुन वगैरह। अभी मैं जस्ट रिलैक्स होकर बैठा हूँ तो मैडम की फरमाइश आ गई कि कॉफ़ी बनाइए, तो ये दो फ्लेवर पड़े थे मेरे पास, मैंने फ्रिज में से निकाले। अरे मेरे क्लाइंट ने दिए थे, वही क्लाइंट ने, उनके क्लाइंट ने दिए थे, तो मैंने निकाले और उनको पूछा कि भाई ये पीने आए कि ये पीना है, आपको जो अच्छा लगे वो बना दो। तो चलिए आज फ्रेंच वेनिला बनाते हैं। ओके। और ये ऐसे तो इस पे शैशे पे 5 रुपीज प्राइस लिखा है फ्रेंच, और ये बोल रही है कि सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता है, बेवजिला, देखिए बेवजिला। ना चलो अभी अभी बना लो, चलो पूरा अंदर मत घुसाइए, जैसे अंदर घुसा रही है। हाँ चलो अभी फटाफट, तो चलिए बनाता हूँ फटाफट। और सब्जी में देखिए मम्मी के घर से आया है भिंडा, मम्मी के पास पड़ा है था फ्रिज में, मम्मी भिंडे को हिंदी में ओकरा भी बोलते हैं। और देखिए स्वीटूड़ी यहाँ पे, उसको वहाँ पे दरवाजे पे सोना अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा। और हमारे घर में इतना लबाचा लबाचा हो गया है, बोले तो अभी घर छोटा है। देखो ये सब साफ सफाई करना है, ये हमारी मैडम है ना, अभी कपड़े जस्ट निकाले, और ऐसा नहीं कि हैंगर, अरे कपड़े सुखाने मशीन में से निकाल के, तो फिर क्या करूं, पर तब तक तो समेट के थैली के अंदर रख देना चाहिए ना। एक तो हमारा बहुत बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का घर है, इतना छोटा भी है ना, इधर से उधर जाने के लिए मुझे साइकिल चलाना पड़ता है। मुंबई में इतना छोटा भी घर है अच्छा है,
मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, पर है अच्छा होगा भविष्य में हमारा भी कभी बंगला, एक बंगला तो इधर बंगला नहीं बाबा, बंगला नहीं, 1 BHK होगा, होगा बंगला नहीं, हमारा टावर जो भी बन जाए, की मैं सफाई करके थक जाता हूँ, बंगला नहीं चाहिए बाबा नहीं 1 BHK हमारा कभी बनेगा पता नहीं, हमारे फ्रेंड्स का आशीर्वाद, हमारे व्यूअर्स का हमको गुड लक मिलेगा तो हम फ्लैट में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए अभी कॉफी बनाने का काम करिए, दिल से दुआ कीजिए फ्रेंड्स के हमारी कुछ थोड़ी तरक्की हो। तो क्या बोल रहे हो? नहीं मैं व्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोल रही थी कि फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे व्लॉग को जो कहे VRK फैमिली व्लॉग्स, क्योंकि एंडिंग में बोल कभी कभी एंडिंग होती कभी नहीं एंडिंग, है हाँ, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही बोल लेते हैं, तो स्टार्ट में ही बोल मतलब पहले से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो चलिए अभी कॉफी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं बना लेता हूँ कॉफी, हमारी मैडम कॉफी का वो मशीन ले लेना, मुझे वो संभावना मैम का बहुत वीडियो देखते ना, वो इसे अच्छा लगता है उसका कॉफी मैम का, वो संभावना सेठ है, उसके नाम में ही सेठ है और हम लोग कानक क्या है बाबा समझा, हम भी जब जाएंगे तब ले लेंगे कॉफी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे कॉफी का वो ऐसे ट्यूब डालने का और ऐसे वाह क्या, पर वो ब्लैक कॉफी है हाँ, कुछ भी मुझे तो अच्छा, दूध वाली नहीं है और ब्लैक कॉफी तो हम भी पीते, तो उससे अच्छा ब्लैक कॉफी पी लेते ना, ये नहीं बनानी है ऐसे। तो चलिए इसमें कॉफी डाल दी जा रही है, बोलिए मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ करके मैडम जी खुद ही खड़ी हो गई, क्या टेस्ट है, एक्चुअली स्मेल वेनिला वाली आ रही है, देखिए तो आप स्मेल लीजिए तो फ्रेंड्स आ रही है उसके अंदर कॉफी है मैडम, अरे नहीं यार मुझे तो स्मेल लेने दो, मस्त है एक्चुअली कॉफी और वेनिला दोनों का फ्रेग्रेंस आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे कॉफी अपनी रेडी हो रही है, तब तक के लिए हमारी मैडम की कुछ गुफ्तगू हो जाए, बोलिए बोलो अभी व्लॉग में कुछ तो बोलो, नॉर्मल सब्जी बनानी है, भिंडा बनाना है, भिंडा भिंडी की सब्जी बनानी है और रोटी बनानी है, और दोपहर को 2 बजे भी निकलना है काम पे कल। ये फ्रेंड्स ये खुशबू एक्चुअली मस्त, जो वेनिला वेनिला अगर आपको शायद याद रहेगा अगर आप गए होगे नेचुरल आइसक्रीम जो है उसके आउटलेट में आप कभी गए हो तो उसके आउटलेट में यही खुशबू आती है वेनिला की, वही सब फ्लेवर वेनिला का आ रहा है इसमें, ए शुगर विदाउट शुगर पी लेंगे, चलेगा विदाउट शुगर डालना है तो एक चम्मच डाल दो तो मेल्ट हो जाएगा कॉफी, इसमें होगा नहीं ना नहीं शुगर, कॉफी पीनी है आपको विदाउट शुगर तो ब्लैक कॉफी, समझा, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए आज ये का कुछ प्रोग्राम है किधर जाने का, आज थोड़ा अपन मनीष मार्केट जाएंगे, थोड़ा काम है पर हम मैं आऊंगी शायद 3:30 बजे कैसे, ठीक है तो देखते हैं, अभी फिलहाल तो फटाफट कॉफी पी के खाना बना के निकलते हैं। ओके और आज हमारा लड़का गया है कौन सी पार्टी, फेयरवेल, उसका 10th का फेयरवेल पार्टी था, फेयरवेल पार्टी में से क्या क्या पहन ब्रेजर क्या मतलब हीरो बन के गया है पूछो मत, आपने तो वीडियो में नहीं आना, वो तो उसको शर्म भी इतनी आती है समझा, बहुत ही शर्म आती है, मालूम नहीं क्या करने वाला ये लड़का, जैसे हीरो बन गया एकदम एकदम टी शर्ट, अरे भाई साहब सच में बताऊं, एक मिनट मैं मेरी तरफ कैमरा कर लेता हूं और बात करता हूं। तो फ्रेंड्स क्या बताऊं मैं आपको, मैंने जितने बचपन में उतने नखरे नहीं किए उतने नखरे, 3-3, 4-4 जोड़ी बूट, फिर मैं तो चलो कभी कभार 2 दिन पहन लेता हूं, वो तो अब भी पहना नहीं अभी नहीं पहनने का अभी दो मतलब आज का, वो आज के जमाने का, आप लोग पुराने जमाने के वो बीड़े बोलते हैं ना हमारे जमाने वही सब पुराने, आपकी भी बात, आप व्लॉगर हो आपकी बात अलग है, हम गरीब आदमी है समझा, तो यहाँ पे कॉफी ले और मुझे ऐसे भी शादी के बाद मेरे सारे शौक मर गए, क्यों जो है वो है, बाकी मैं भी पहले अरे बाकी मैं भी पहले आपको मैं बताऊं
पेपे जीन्स लिवाइस स्ट्रैंगलर मतलब ये सब बकवास नहीं है, बकवास नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉफी की चुस्कियाँ ले ये जा रही है और बहुत ही उसका अरोमा, एक्चुअली ये उसका अरोमा बहुत ही प्यारा है, एकदम पूरे घर में मतलब महक रहा है। वेनिला एसेंस कुछ भी हो, वेनिला फ्लेवर का अरोमा पूरे घर में महक रहा है। अगर यही नहीं नहीं अगर यही अपन ब्लैक कॉफी में पीते तो अच्छा लगता, और ही अच्छा लगता था, समझा, उसका अरोमा और खुल के आता था ब्लैक कॉफी में, बहुत मस्त है। अच्छा अपने को मंगाना चाहिए ना, क्या मंगा लेते हैं ऑनलाइन, देखते हैं। तो चलिए अभी तो फिलहाल एंजॉय करते हैं कॉफी, और यहाँ पे इसका देखिए चॉपिंग का काम लेके, चलो ये मैं चॉपिंग का काम लेके बैठ गया। यहाँ पे है भिंडी, ये मेरी कॉफी, एक साइड पे कॉफी जा का पिए जाऊंगा और इस बाउल में चॉपिंग करते जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको बाद में। तो फ्रेंड्स देखिए कौन आया फेयरवेल में से। अरे यार भैया जी रुको दो मिनट। हाँ कैसा रहा भाई? अच्छा रहा। फेयरवेल पार्टी सूट बूट ये क्या दिया, फाइल दिया क्या दिया, कुछ बर्गर क्या बर्गर कुछ तो बॉक्स दिया है, बर्गर बहुत सस्ते में पटा दी। अरे हमको तो खाना वाना सब खिलाया था यार, तुमको तो बहुत सस्ते में पटा अच्छा दिया। लगा, फेयरवेल पार्टी ये में। ब्लेजर आपका वहाँ पे रख दो भाई, एक तो मेरा हाथ में किधर देखू किधर नहीं, तो मजा आया कि नहीं? आप इधर फ्रेंड व्यूअर्स को बोलो कुछ। हाँ मजा आया, मजा आया। अभी आप किस कैसे रहे, पूरे कितने साल हो गए स्कूल में? दस। कैसे दस? केजी और सीनियर केजी कौन गिनेगा? 12 साल। सबको मिला के नहीं? चलो भाई लड़का जवान हो गया, अभी 5 साल में शादी करेंगे, कोई बहू बहू हो तो ढूंढिएगा। शर्मा गया लड़का हमारा, जवान जवान जवान। वो पिक्चर में है ना, वो गुजराती पिक्चर नहीं है, जवान जवान हो गया है जवान। तो चलिए ये थक थुक के आया है, मिलते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई थी वालकेश्वर ऑर्डर के लिए जा रही हूँ, और यहाँ पे देखिए समुंदर में रिवर राफ्टिंग वाली बोटें हैं, मतलब हवा पे चलने वाली छोटी छोटी नाव, रिवर राफ्टिंग करते ना वो है वहाँ, तो बहुत सारी है आगे, तो बहुत सारी है। और ये पक्षी भी अच्छे स्विमिंग करते हैं। कौन से ये पक्षी है? कल्लास कल्लास, ऑस्ट्रेलियन कल्लास। बहुत सारी है ना, तो बहुत सारी है वहाँ, क्या वहाँ से निकल रही है, देखिए वहाँ चूपा निकल रही है, ये हवा पे चलती है। फ्रेंड्स देखिए हम लोग आए हैं, मैं ऑर्डर पे आई हूँ वालकेश्वर, और ये मुझे रखने को आए बाइक पे, तो अभी चलते हैं ऑर्डर पे। तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं बादशाह कोल्ड ड्रिंक हाउस में नाश्ता करने, और हमारे साहब ने मंगाई है पाव भाजी, और मैडम ने मंगाया है फालूदा। तो ये क्राफर्ड मार्केट का बहुत ही क्राउडेड होटल कह सकते हैं उसको, बादशाह कोल्ड ड्रिंक हाउस, और यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है। देखिए क्राउड देखिए आप, ये वहाँ तक है बाजू में नीचे। तो फ्रेंड हम लोग गए थे कपड़ मार्केट शूज देखने के लिए, क्योंकि गांव में कजिन ब्रदर ने शूज मंगाया है, पर शूज में कुछ जमा नहीं। फिर टहलते टहलते हम बादशाह कोल्ड ड्रिंक हाउस में आ गए नाश्ता करने के लिए, तो हमारी यहाँ पे पाव भाजी आ गई है। ये देखिए हमारी पाव भाजी एकदम बटरी बटरी पाव भाजी नहीं, बादशाह होटल, और यहाँ पे दो और दो चार पाव, पाव तो एकदम बटर से लबलबा लब है। खाइए खाइए और बादशाह के गुण गाइए। ये हमारे सब्सक्राइब करके, और तो दिव्या कैसा था टेस्ट? टेस्ट अच्छा है ना?
यहाँ का टेस्ट अच्छा ही आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और एक आइटम आ गई है, रॉयल फालूदा आइटम। तो क्या कहूँ मैं इसको, बोलो, रॉयल फालूदा फॉर रॉयल लेडी, और ये दूसरा रॉयल फालूदा फॉर राजकुमार। देखिए अकेले अकेले कैसे फालूदा पी रहे हैं। हाँ, एक समय था जो फुल फालूदा पीते थे, आज 1/2 पीते। बहुत ही रश रहती है ये होटल में। आप टेस्ट कीजिए अभी। नहीं, आप करो करो करो। चलिए